केंद्रीय चुनाव आयोग ने दो राज्यों हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। इन दोनों राज्य में 18 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। वहीं नतीजों की बात करें तो दोनों राज्यों के नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने कहा कि भाजपा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार देश में काम कर रही है। जम्मू कश्मीर में हमने 2 साल में शांति, विकास और विश्वास का वातावरण बनाया है, जिसका परिणाम है कि पीएम नरेंद्र मोदी को जम्मू कश्मीर की जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के हर गांव में आपको विकास कार्य दिखेगा। भाजपा पूरी ताकत से जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेगी। उमर अब्दुल्ला दिन के उजाले में मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर की जनता ने अब्दुल्ला परिवार के युवराज को अभी ताजी ताजी करारी हार दी है। मुंगेरी लाल के सपने कभी पूरे नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार देश में काम कर रही है और जम्मू कश्मीर में हमने 2019 के बाद शांति, विकास व विश्वास का वातावरण बनाया है, जिसका आज परिणाम है कि जम्मू कश्मीर की जनता का भरपूर आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी को मिल रहा है और निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर अब विकास के झंडे पे, विश्वास के झंडे पे, सबका साथ सबका विकास के झंडे पे आगे बढ़ा है। जम्मू कश्मीर के हर गांव में आप जाइए, विकास कार्य स्पष्ट दिखेगा। वो सड़क निर्माण हो, पुल हो, रेलवे हो, एम्स हो, आईआईएम हो, हर नागरिक की 5 लाख की मेडिकल इंश्योरेंस की बात हो, हर घर नल से जल पहुंचाने की बात हो, हर घर रसोई गैस पहुंचाने की बात हो, हर घर में शौचालय की बात हो, जम्मू कश्मीर अव्वल आया है। अब जम्मू कश्मीर अव्वल ही रहेगा, पीछे नहीं।